संविधान पढ़ोगे तभी जान पाओगे, गुलामी के पहले शूद्रों को धर्म से दूर रखा गया और आजादी के बाद धर्म से चिपका दिया गया। 26 जनवरी 1950 से पहले रामायण, गीता, वेद पुराण, महाभारत जैसी पुस्तकें ब्राह्मण ही पढ़ते थे। 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होते ही वह सारी पुस्तकें ब्राह्मणों ने ओबीसी, एससी, एसटी को धमा दी और खुद संविधान पढ़ने लगे। संविधान वो आज भी पढ़ रहे हैं और हमारे लोगों ने संविधान उठाकर देखा तक नहीं। वे वकील, जज और नेता बन गए और हमारे समाज के लोग भक्त बन गए। क्या ये विचारणीय प्रश्न नहीं है? इसलिए आप सभी भारत देश के नागरिकों से अनुरोध है कि संविधान को पढ़ो और आगे बढ़ो। गीता रामायण पढ़ने से आप IAS, IPS, PCS, MBBS, इंजीनियर नहीं बन सकते हो। इसलिए अब समय आ गया है कि इस पाखंडवाद से बाहर निकलने का। वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो गुलामी की बेड़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, फिर समय नहीं मिलेगा।